ये जो फूड फेस्टिवल है ये केरला का फूड फेस्टिवल है, जहाँ पर हम केरला के जो ऑथेंटिक डिशेस हैं जो कि गरम मसाला बेस होती हैं, हेल्दी होती हैं एंड दे आर वेरी फ्रेश एंड हेल्दी इन नेचर, वो हम यहाँ से लेके आए हैं। हमने एक स्पेशल शेफ़ केरला से यहाँ मंगाया हुआ है जो कि वहीं से पैदा हुआ है, जिसको एक्चुअल पता है कि ऑथेंटिक केरला फूड क्या होता है। हम ये चाहते हैं कि जो इंदौरी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं वो इस टाइप का हमारे यहाँ जो फूड फेस्टिवल हो रहा है उसको आके ट्राई करें और एक नया फूड डिस्कवरी करें, क्योंकि अभी तक इंदौर में किसी ने भी ऑथेंटिक केरला का फूड फेस्टिवल नहीं किया है। किस किस तरीके के व्यंजन है, क्या विशेषता है? इसमें सारे व्यंजन जो हैं वो ऑथेंटिक हैं। इसमें सारे ही व्यंजन नारियल तेल में बनते हैं। सारे ही व्यंजन का जो बेस होता है वो गरम मसालों का होता है। बहुत खाने में विशेषता ये कि खाना ये बहुत हल्के होते हैं, खाने में कभी हैवीनेस नहीं आता जैसे जो कि नॉर्थ इंडियन फूड में आता है। आप कितना भी खा लो आपको लाइट फील होता है, बहुत डाइजेस्टिव होते हैं, हेल्थ को अच्छा रखते हैं, पेट्स को अच्छा रखते हैं और हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं फूड सारे। ये भी मैदा के एक डिश है, हमारा उधर केरला मलबार पराठा बोलते हैं। मलबार मतलब हमारा उधर सब ज़्यादा मुसलमान लोग का जगह है, वो लोग यही पराठा खाते हैं और इसके अंदर हम लोग अंडा, दूध, मैदा, कोकोनट ऑयल और शुगर, साल्ट ये पूरा मिक्स करके एक घंटा हम लोग फर्मेंटेशन के लिए रखेगा। उसके बाद एक छोटा सा बॉल बनाएगा, लच्छा मारने के बाद ऐसा एक बार और ये प्रोसेस इसलिए है सर, आप अगर देख सकते हैं तो उसमें लच्छे सारे निकल कर आते हैं।